हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। मैं दोनों खबरों को विस्तार से बताऊंगा और एक आपको लेटर भी दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। इसमें बोला गया है कल 16 दिसंबर को सिंधिया जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों शिवपुरी आ रहे हैं, ठीक है। शिवपुरी जिले के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या बल में पहुँचें और सिंधिया जी को उनका वादा याद दिलाएं और निमितीगढ़ की मांग करें। कल ही मौका है, दोनों एक साथ शिवपुरी आ रहे हैं, ठीक है। तो अतिथि शिक्षकों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। कल शिवपुरी में सिंधिया और शिवराज दोनों पहुँच रहे हैं 16 दिसंबर को, तो ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक पहुँचें और अपने निमितीगढ़ की मांग रखें और सिंधिया जी को वादा याद दिलावें कि अतिथि शिक्षकों से निमितीगढ़ का क्या वादा किया गया था। अब मैं एक और आपको दूसरा लेटर दिखाने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के निमितीगढ़ को लेकर, आप वीडियो में बने रहें। यह वो दूसरा लेटर जिसमें अतिथि शिक्षकों के निमितीकरण का समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश में सभी जगह से अतिथि शिक्षकों को निमितीकरण को लेकर समर्थन मिल रहा है। इसमें कार्यालय ग्राम पंचायत हिंडोरिया है, ठीक है, बीरेन से सोलंकी हैं, इनने समर्थन किया अतिथि शिक्षकों के निमितीकरण का। 14/12/2022 को शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखा है और भेजा गया है। इसमें मुख्य मांग है विषय अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर का भविष्य सुरक्षित किया जाए। संदर्भ है हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड जैसे राज्यों ने अतिथि शिक्षकों के तो नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया है, ठीक है। तो सरपंचों का भी अब समर्थन मिलने लगा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरपंच ने समर्थन दिया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का। महोदय जी, माननीय महोदय जी, मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालय में लगभग 50,000 अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर सेवा देते आ रहे हैं, जिनकी कभी भी सेवा से पृथक कर दिया जाता है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड सरकार ने 14 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर नियमित किया है। अतः माननीय जी से निवेदन है कि शीघ्र ही अन्य राज्यों की तरह नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करने की कृपया करें एवं नियमितीकरण होने तक कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पद रिक्त न मानते हुए स्थानांतरण, अतिशेष पदोन्नति या अन्य किसी कारण से न हटा जाए। अपने सभी वर्ग का भला किया है, हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप अतिथि शिक्षकों का साथ भी शीघ्र ही न्याय करेंगे। ये भवदीप सरपंच अध्यक्ष हैं बंडा जिले के, ठीक है फ्रेंड्स। इनने ये सिग्नेचर दिख रहे हैं, इनने समर्थन किया है और शिवराज सिंह चौहान तक अपनी बात पहुंचाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश में भरपूर प्रयास किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। और कल की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अतिथि शिक्षकों को, ठीक है, शिवपुरी सब अतिथि शिक्षकों को पहुँचना है क्योंकि सिंधिया और शिवराज दोनों वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो सिंधिया जी को आपको वादा याद दिलाना है और शिवराज सिंह चौहान जी से नियमितीकरण की बात करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है, धन्यवाद।